मम्मी जा रही है घास काटने, मैं और दीदी जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने, ठीटे ढूंढने। कट्टा दे रखा है, मेरे से कह रही दो कट्टे लाना, पल चार लाएगी। पुकारे आजा। ये है लकड़ियां लाने के लिए, ये है ठीटा लाने के लिए। तो आज हम ठीटा कैसे बनाते हैं, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ठीटा कैसे हम बीनते हैं और घर लेकर आते हैं और लकड़ियां तोड़ते हुए भी दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये हमारे साथ आ गया है, मम्मी को बाय कर दो। बाय मम्मी। अरे दीदी के पीछे, रस्सी के पीछे, ये हमारे पीछे आ जाते हैं। गोलू आज काफी लंबे समय बाद मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग में हम जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। जैसे जाड़ों का मौसम है, अभी तो मैंने हल्का सा स्वेटर पहना है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं लकड़ी तोड़ने और ऊपर की चढ़ाई ऐसे सामने जाना है, तो यहाँ पर जाना है। यहाँ हमें लकड़ी तोड़नी है तो गर्मी भी जानी है, इसलिए पतले स्वेटर पहनने लगे, ठंडा बहुत हो गया है। अभी तो हम चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे ठीटा। हम आज जो होता है कोन पाइन का, तो उसको हम बीन कर ला रहे हैं और साथ में लकड़ियाँ भी तोड़ेंगे पेड़ से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये है तिमूर, इसको तोड़ने का खास कारण है कि आज मैंने मुझे धूप वाली चाय पिला दी है, जिससे मेरे दांत में हल्का हल्का दर्द शुरू हो रहा है, तो इससे वो दर्द एकदम गोलू कितना हल्ला कर रहा है। शेरू को देखो, गोल्डी गोलू आजा आजा फिर। हेलो गोलू, रानी मेरे को पहले से हम इंजन से पानी भरते थे, अब तो भरी पानी आ गया है। पहले पानी यही इनसे भरते थे, फिर ठंडा रहा उनके पीछे। अभी चलते हैं ऊपर को चढ़ाई में। हम साथ ही जा रहे हैं, लालू मेरे साथ है, तो चढ़ाई चढ़ने में इसके अभी हाल खराब हो रहे, आवाज नहीं निकल रही है। अभी तक कैमरा इसने संभाला था, तो अब ये तोड़ेगी वहां पे भरा भर लकड़ियां। मैं तो नहीं तोड़ पाती, पेड़ में भी कम चढ़ूंगी मैं, तो सारा कार्यभार इसी को संभालूंगी मैं वहां। और हम ये आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से हमारा आधा गाँव तो दिख ही जाता है ऑलमोस्ट। ये सामने का व्यू है कुछ ऐसा, ये लालू का व्यू है कुछ ऐसा। ये बिल्कुल मरने को तैयार, गुदगुदान होते हुए गुदगुद गुदगुद हो रही है। नीचे रोड है, थोड़ा सा दिख रही है पेड़ के बीच में से। और ये सामने का गांव, इस गांव में जो सबसे टॉप में घर है जिसमें ग्रीन कलर की छत दिख रही है टीन शेड वाला, वो हमारा ही घर है। रोड से इतना दूर है, बहुत दूर है, जैसे मेरे जैसे लोग तो चल नहीं पाते हैं, लेकिन क्या करें, जीना तो यही है। ये इधर का साइड है सामने वाला। अब नीचे को कंस्ट्रक्शन और होने लग गया है इसमें, और यहाँ से ऊपर एक गाँव और बसता है, उसका नाम है मटेला। हमारा गाँव फिलहाल ये है, यहाँ से सामने दिखता है हमारा प्यारा घर, पूरा जो बगीचों के बगीचा भी कुछ नहीं दिख रहा है। जब बसंत का मौसम आता है तो तब यहाँ से वीडियो बनाने लायक होता है, उस समय भी आऊँगी मैं। फिलहाल पतझड़ का मौसम आप देख लीजिए कुछ ऐसा हो रहा मज़ेदार। ये है हमारा घर ग्रीन वाला, बगल में पूरा हम ही रहते हैं वहाँ पर, और कोई नहीं है। और जो ये यहाँ पे टूटा हुआ घर दिख रहा है हमारे घर के जस्ट नीचे, ये हमारा पुराना घर है, पुराना मतलब जिसमें दादाजी लोग रहते थे। पापा के बच्चे तो ना, दादा के बच्चे पापा। सफ़र अभी जारी है, तो हम हैं आधे रास्ते में। हवाइयाँ भी उड़ रखी हैं आजकल, ठंडा बहुत है, लेकिन पिछली बार जितना ठंडा था उड़ाखान में उससे तो बहुत रिलैक्स है यहाँ पर, उसके बजाय तो कुछ ठंडा ही नहीं है, मतलब ऐसा है। जय हो। ये है हमारा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का स्थान, ये है हमारा स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहाँ से हमारा शुरुआती दौर शुरू हुआ था। ये सीढ़ियाँ तब भी ऐसी थी, अब भी ऐसी हैं, बट अंदर काफी चेंजेस हो चुके हैं। अब थोड़ा चले ही जाते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। इस स्कूल में मैंने 3 साल पढ़ाया भी, और काफ़ी सारे उस समय यहाँ पर हुए थे ये काम, जैसे कूड़ेदान बनना, ये सारे जो पोस्टर बने हैं ये उस समय तक बना था द हंस फाउंडेशन करके। और इतना सुंदर है अंदर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता। ये है मेन बड़ा वाला कैंपस, मतलब मेन ऑफिस। लालू फिसलन पट्टी में बैठ गई है, और इसमें ये मैंने बहुत खेला है, ये मैंने बहुत खेला। इस का पापड़ वाला है ये, इसमें मैं बच्चों के साथ बहुत खेली हूँ। एक साइड से 4-5 बच्चे बैठते थे और एक साइड से मैं बैठती थी, और फिर मैं ऐसे ही बैठ जाती थी और बच्चे अलग जाते थे। झूला भी मैंने बहुत खेला है, लेकिन आज हम झूला तो नहीं है, झूला रख देते हैं क्योंकि कोई नुकसान न होता है। तो इस झूले में भी मैं इतना झूली हूँ, बच्चों से रिक्वेस्ट कर करके
छोटी बच्ची जा रही। रुको ये लकड़ी तोड़ने आई है, देखो तो इसको। अब हो गई लालू की बारी, अब ये जाएगी, तोड़ना मत है इसको, बच्चों का है ये, खबरदार। टिंगड़ी 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 टिंगड़ी, और जा रही, जल्दी करो लगाना टोंची। ये पुराने बचपन की यादें हैं जो वापस नहीं आ सकती हैं। इसके टाइम पे ये झूला लग गया होगा, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तब तो नामो निशान भी नहीं था। मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ अब। झूला खेल के हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमें भी जाना है लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़ते तोड़ते अब दिखाएंगे आगे का, बहुत मस्ती कर ली, घर जाके और काम भी करने हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, सुबह तो आजकल इतना कोहरा लग रहा है, ये चीड़ में से पानी टपकने में रहता है। कितना बड़ा लकड़ी का पेड़ यहाँ पे, सूखी लकड़ी का पेड़ गिरा है, हमारा नहीं है। लेकिन ये इस बार हमने काट दी है यहाँ की घास, बस थोड़ा सा बची है। ये बार जान से मिल गया, इतनी दूर आ गए हैं, कुम्मर ही कुम्मर हो रहे हैं। ऊंचा मेरे तो सारे कपड़े भर जाएंगे कुम्मरों से, घास इन्होंने ऐसे काट रखी है, कहीं कहीं पर छोड़ के एक गुठली घास तो यही है, और फिसलने वाला यहाँ अलग। यहाँ देखो, यहाँ से घर दिख रहा है थोड़ा सा पेड़ के बीच में से, तो हम इतनी दूर आ चुके हैं घर से, पता नहीं कब हमारी लकड़ियाँ होंगी और कब हम बैक टू होम करेंगे। यहाँ तक आते आते गर्मी हो गई है, थोड़ा बॉडी गर्म हो गई है, तो अभी हम तोड़ते हैं लकड़ियाँ इन पेड़ों में से, ऐसे एक एक करके तोड़नी है। ये तोड़ेगी तो ये कैमरा हैंडल करेगी, और मैं तोड़ूंगी तो सॉरी ये तोड़ेगी तो मैं हैंडल करूंगी कैमरा, और ये मैं तोड़ूंगी तो ये हैंडल करेगी। फिर इसके बाद ठीटे भी ढूंढने हैं पाइन कोन, तो आप बने रहिए। वो पाइन कोन हमें कितने इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसको डेकोरेट करके, उसका इतना प्राइस है मार्केट में, बट उसको डेकोरेट करने में भी समय लगता है, इसलिए जैसे यहाँ मिलते हैं सेम वैसे नहीं रहते वहाँ पर। डेकोरेट करके पेंट वेंट करने में टाइम लगता है। लालू पेड़ में जाने की तैयारी कर रहे, आराम से जाना रे, सारा लीसा लगा है देखो पेड़ों में, ऐसे चढ़ना है और आग भी लगी है, कहाँ जा रही है इसमें, कौन सा फंगा है इसमें, पतले वाले भी तोड़ेंगे क्या? लालू तोड़ने काटे लग गई है लकड़ी सूखी वाली, तो ये यहाँ से काटती है और मैं कहीं चढ़ती हूँ दूसरी जगह पे, चढ़ती नहीं हूँ मैं, नीचे नीचे से ही तोड़ती हूँ। इन्हीं लकड़ियों में से हमने ढूंढना है इस सब एरिया से, देखती हूँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है। इतना इतना संघर्ष भरा जीवन है, लेकिन आग सेकनी है तो खाना बनाना है तो लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी। गैस भरने में तो कानों से धुआं निकलने लग जा रहा है, बेरोजगार लोग हैं हम। ये पहली लकड़ी टूटे हुए टूट गई, इतनी मेहनत करके मैंने तोड़ दी है ये लकड़ियाँ, और ये मैंने नीचे से ही तोड़ी है यहाँ पर। ये हैं जो सूतर कहते हैं इसको, सूतर के हैं ये लकड़ियाँ, और लालू चढ़ी है पेड़ में, लालू का भी अभियान जारी है, उसने दो तीन काट दी है और काट रही है दराती से। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे आ रही हूँ आज जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए, काफी सालों के बाद ये अनुभव हो रहा है लालू के साथ, तो काफी सालों के बाद मैं ऐसे आ रही हूँ तो पुरानी यादें एकदम ताजा हो रही है कि हम लोग पहले से ऐसे ही आया करते थे और खूब लकड़ियाँ तोड़ा करते थे। नहीं भी मिलती थी लकड़ियाँ तो हम पतली सी लकड़ी लेकर चले जाते थे, क्योंकि मैं पेड़ों पर कम ही चढ़ती थी हमेशा से ही, तो आज ये फिर से ऐसे याद आ गया और काफी अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ आकर, घर से हम काफी दूर है जैसा मैंने बताया आपको, और जानवर भी जंगल में ही है, तो बहुत मस्त है ये एक्सपीरियंस। मतलब कोई टेंशन नहीं है क्या करना है क्या चल रहा है दुनिया में, तो ये लाइफ भी अलग है, मतलब अलग है ये। उसी में पैर रख के उसी को काट रही है, उसी में पैर रख के उसी को काटने का टैलेंट भी यहाँ मिलेगा आपको। ये चमक चमक। तो गाइस इतनी लंबी नहीं, छोटे छोटे बनाना। मैं पेड़ से आ गई और अब दीदी टुकड़े कर रही इसके, ये मेरे हाथ ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए सब हाथ। कैसा लग रहा? एक पतली वाली छोड़ना है इसको, इनको इनमें लकड़ियाँ दिख रही हैं छोटी। चल फिर चल, ज्यादा लंबी मत बनाना यार, अच्छी नहीं लगती हो, उल्टे तो काटेंगे तू। थक गई मैं, नहीं आया उसी ने। गाय बच्चे हम तक जंगलों में ही है, होश नहीं है लोगों को गाय बच्चों को ले जाने का भी, कितनी मार दी हमारी गाड़ी में घास कहाँ पर था। दीदी का गट्ठा लग चुका है, इसने सब ऊपर से पतली पतली लगा दी, नीचे से मोटी मोटी, वो अच्छी भी नहीं लग रही। अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत की कमाई लकड़ियों में तो
कर दे। टाइम नहीं लगता वैसे साथ में आने में, आने जाने की देर होगी। बड़ी मुश्किल से लाई मैं आज दीदी को, कब से बोल रही थी चल चल चल, चली नहीं रही थी, आ जाएगी। बहुत टाइम बाद आई हूँ आज। शिरोन क्या बनाएगी? केक। मैं लीजू लकड़ा? तुमने छीटे ढूंढे हैं। थोड़ा सा मैं ढूंढ के ला गई, थोड़ा सा और चाहिए। वहां से रखेंगे वो? हाँ। लकड़ी तो ले जाएगी मैं, कोई भी ले जाओ। इतने यहाँ पर पाइन कौन हो रहे हैं, हम इन्हें बीन रहे हैं, ये देखो। ये इसे बता लहर। ये देखो यहाँ पर ठीटे लाते हुए, ठीटा कहते हैं इसको यहाँ पर। पाइन कौन है ये? जिसको डेकोरेशन करने के लिए चाहिए वो डिमांड कर सकता है, यहाँ पर सेलर है पाइन कौन सेलर। ऐसे ही मिल जा रहे हैं इजीली। तो ये भी हमारे हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि काफी लेट हो गया, अंधेरा होने वाला है बिल्कुल, और सब चले गए हैं घर को, अब हम भी जा रहे हैं। हमारे हो गए हैं पाइन कौन पूरे, फिसलन बहुत ही हो रही है। अब हम जाते हैं इनको लेकर घर को, फिर अगर जिसको पाइन कोन चाहिए होंगे वो लोग यहाँ पर डिमांड करें, कमेंट में लिखें, हम आपके पास से पाइन कोन भेज देंगे डेकोरेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।